हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब आपको इसके पहले के लेक्चर में हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था, दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड, मतलब जिसमें एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उन कंपाउंड का हमें नाम कैसे देना, ये हमें स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अब हमें स्टडी करना है नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ, मतलब दो ही है या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट है सेम या फिर डिफरेंट, तो उस टाइम उसका हम नाम कैसे देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, वो अब हमें स्टडी करना है। कॉल्ड एज अ पॉलीफंक्शनल, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब देखो, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेसिंग टू और मोर फंक्शन, ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेसिंग टू और मोर फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। किसको पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोलेंगे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेसिंग टू और मोर फंक्शनल ग्रुप विद इट इज सेम और डिफरेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। मतलब ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में एक या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोलेंगे। एंड वेन देर आर टू और मोर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, अगर हमारे कंपाउंड में दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ठीक है, उसमें से एक को हम क्या सेलेक्ट करते हैं? एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सॉरी, उसको हम क्या सेलेक्ट करते हैं? एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जैसे हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि आपके कंपाउंड में अगर दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें से एक को हम सेलेक्ट करते हैं एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसको हम क्या सेलेक्ट करते हैं? एज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। एंड जो अदर होता है, दैट अदर कंसिडर एज अ सब्सिट्यूट, दूसरे को हम क्या कंसिडर करते हैं? एज अ सब्सिट्यूट हम उसको कंसिडर करते, ठीक है, तो एक को हम कंसिडर करते हैं एज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और दूसरे को हम कंसिडर करते हैं एज अ सब्सिट्यूट। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कैसे होता है, अब ये देखो, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एक को, क्योंकि एक को हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बोलने वाले, अगर हमारे कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप है तो एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रहेगा और दूसरा आपका सब्सिट्यूएंट रहेगा। तो अब ये जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स, ठीक है, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसको हम क्या यूज़ करते हैं? एज अ सफिक्स यूज़ करें, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को हम यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स ऑफ द IUPAC नेम विद द while the other substituent are written with the appropriate prefix, और जो substituent होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? एज अ प्रीफिक्स लिखते, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसका जो नाम है, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन का नाम हम कैसे लिखेंगे? एज अ, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन का नाम हम कैसे लिखेंगे? एज अ सफिक्स, मतलब एंडिंग में लिखेंगे IUPAC नेम में। और जो सब्सिट्यूएंट रहेगा, जिस फंक्शन को हम एज अ सब्सिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, उसको हम एज अ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर। और अगर हमें डिसाइड करना है कि हमारे कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप में से कौन सा फंक्शन ग्रुप आपको पैरेंट का नाम देगा, कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रहेगा, कौन सा फंक्शन ग्रुप एज अ सब्सिट्यूएंट का काम करेगा, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। हियर इट्स गिवन अ प्रायोरिटी ऑर्डर, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको लर्न करना है, ठीक है, और इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे आप आगे 12th में भी ये आपको जब नॉमेनक्लेचर लिखना है, जब आपके कंपाउंड में एक ही कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो दैट टाइम आपको ये ऑर्डर बहुत काम में आने वाला, अभी भी काम में है, इवन आपके 12th के जो रिएक्शन के चैप्टर्स है उसमें भी आपको ये काम में आएगा, तो आपको ये ऑर्डर लर्न करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। उसके बाद प्रायोरिटी होती है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट इज SO3H। उसके बाद प्रायोरिटी होती है इस्टर ग्रुप की। उसके बाद प्रायोरिटी होती है एसिल क्लोराइड की। उसके बाद होता है अमाइड। उसके बाद प्रायोरिटी होती है, मतलब सबसे प्रायोरिटी वाला तो COH है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे प्रायोरिटी कम कम होती जा रही है। तो CN की प्रायोरिटी सबसे कम है, उसके बाद CHO की उससे भी कम है, उसके बाद C डबल बॉन्ड की उससे भी कम है, OH की उससे भी कम, NH2 की उससे भी कम, डबल बॉन्ड की उससे भी कम, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी कम। मतलब जैसे हम यहाँ से जा रहे नीचे, तो प्रायोरिटी क्या, मतलब आगे जैसे जा रहे तो प्रायोरिटी क्या होती जा रही है? कम कम होती जा रही है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला COH है, और सबसे कम प्रायोरिटी वाला ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे लोवेस्ट वाला ग्रुप है। तो हमारे कंपाउंड में जो दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है, ठीक है, इस प्रायोरिटी के बेसिस पे हमें क्या डिसाइड करना है? इस प्रायोरिटी के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी उसको हमें पैरेंट के नाम से कंसिडर करना है, उसको हमें सफिक्स में लिखना है IUPAC नॉमेनक्लेचर के टाइम पे। और जिसकी प्रायोरिटी कम है तो वो आपका सफिशिएंट हो जाएगा, जिसका नाम हम सबसे सामने लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स। ओके, तो
यहाँ पे देखो ये हो गया आपका। अब उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स तो दिए रहेंगे, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। आपको उसमें एग्जांपल आपको नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स है उसमें आपको दिया हुआ एग्जांपल प्रॉब्लम में 14.4 में दिया हुआ कि एग्जैक्टली हम इसकी वजह से नाम कैसे देंगे। अब इसके पहले नाम देने से पहले हम क्या करेंगे, रूल स्टडी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सा रूल फॉलो करना है वाइल गिविंग द नेम आईपीएससी नेम फॉर आईपीएससी रूल्स फॉर नेमिंग द मोनो और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ये तो मैंने तो मोनो के बारे में आपको बता चुकी हूँ, तो अब हम पॉलीफंक्शन के बारे में देख लेते हैं इसमें कौन से पॉइंट्स है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग और बियरिंग अ सिंगल प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज आइडेंटिफाइड एज अ पैरेंट चेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके दिए गए कंपाउंड में सबसे पहले आपको ढूंढना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो भी किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रियोरिटी ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है उस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को हमें क्या करना है, डिसाइड करना है, मतलब कौन से दोनों में से कौन सा फंक्शन प्रिंसिपल है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, वो हमें पहले कंपाउंड में से डिसाइड करना पड़ेगा। और जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रहेगा वो हमें क्या आइडेंटिफाई करके देगा, पैरेंट चेन, मतलब जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसके हेल्प से हमें क्या पता चलेगी, लॉन्गेस्ट चेन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिस कार्बन पे आपका प्रिंसिपल फंक्शन प्रेजेंट है तो वो कार्बन आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में प्रेजेंट होना जरूरी। मैंने क्या कहा कि जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में आना जरूरी है, उसी को हम पैरेंट चेन कंसिडर करेंगे और उसके नाम से फिर हम पैरेंट का नाम लिखेंगे एज अ सफिक्स, मतलब सबके सभी पूरे नाम के एंडिंग में आपका पैरेंट का नाम आएगा। और हमें पैरेंट का नाम कौन देगा, पैरेंट चेन, और पैरेंट चेन कौन सी रहेगी, जिस पैरेंट चेन में कार्बन के साथ कौन अटैच रहेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा वो आपकी पैरेंट चेन रहेगी, उसी के हिसाब से आपको पैरेंट का नाम मिलेगा, वो भी हम लगाएंगे सबसे एंडिंग में एज अ सफिक्स। देन उसमें एग्जाम्पल दिया कि ईथर इज अ नेम एज अल्कोक्सी अल्केन, आपको ये नाम दिया कि ईथर जो है उसको हम कैसा नाम देते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। जैसे मैंने अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया तो ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर ओ आर। तो इसमें यह है कि अगर ये दोनों आर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक आर के जगह पे सी एच टी लिया, दूसरा ओ लिया और तीसरा मैंने आर के जगह पे सी एच टी लिया, तो ये दोनों क्या है, इट्स अ मिथिल ग्रुप। ओके, अब दोनों सेम है तो एक को हम पैरेंट का नाम बताएंगे, मतलब एक जो है वो फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच रहेगा और दूसरा किसका नाम, मतलब जो फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच है वो पैरेंट का काम करेगा और जो फंक्शन ग्रुप को पकड़ के नहीं है जो सेपरेट है, जैसे ये सेपरेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, जो फंक्शन ग्रुप के साथ अटैच है उसको हम पैरेंट बोलते हैं और जो नहीं अटैच है उसको हम ब्रांच बोलते हैं। अब इसमें देखो एक पैरेंट का नाम, जैसा कि इन जनरल कहा कि मैंने ये अल्कोक्सी मतलब आर के साथ ओ अटैच है ये आपको पैरेंट का नाम देगा, तो इसका नाम आएगा अल्कोक्सी। ठीक है, इट्स गिव्स अ नेम ऑफ पैरेंट अल्केन, इसको हम बोलेंगे अल्कोक्सी। और ये पैरेंट का नाम अगर नेम कंसिडर करते तो ये आपका पैरेंट का नाम है जिसमें आपको ओ अटैच है तो ये आपका ब्रांच हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन, इसका नाम क्या रहेगा, अल्कोक्सी अल्केन। वैसे हमें इसमें देखना है कि अगर मैंने वहाँ पे CH3O CH3 लिया है तो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो CH3O CH3 है तो यहाँ पे ये आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देगा, इट्स कॉल्ड एज अ मिथॉक्सी, इसको हम सामने लिख लेते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ मिथॉक्सी क्योंकि ब्रांच का नाम हम पहले लिखते हैं। ये आपका क्या देगा, इट्स गिव्स अ नेम ऑफ पैरेंट, ये जो ग्रुप है वो आपको पैरेंट का नाम देगा, पैरेंट का नाम क्या है एंडिंग में, वो भी क्या है एक कार्बन है, मतलब पैरेंट का नाम क्या आएगा, मीथेन आएगा। ओके, पैरेंट का नाम आपका आएगा मीथेन और उसके पहले ये ब्रांच का नाम आएगा, ये आपकी ब्रांच होगी और ब्रांच का नाम क्या आएगा, अल्कोक्सी। तो यहाँ और उसमें मीथेन है तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम क्या आएगा, मिथॉक्सी मीथेन आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको नाम याद रखना है, मिथॉक्सी इथेन, अल्कोक्सी अल्केन, प्रोपॉक्सी इथेन, इस टाइप का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शन प्रेजेंट रहेगा, दैट गिव्स द नेम ऑफ पैरेंट, एंड जैसे इथर का नाम दिया अल्कोक्सी अल्केन, वाइल नेमिंग इट्स द लार्जर अल्किल ग्रुप इज चोजन एज अ पैरेंट चेन। और इसमें यह भी दिया कि जब हम इथर का नाम देते हैं तो उसमें क्या करना होता है आपको कि दो अल्किल ग्रुप में से, क्योंकि इथर में आर ओ आर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, तो दो आर है मतलब वहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है, तो कभी कभी दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और कभी दोनों आर अलग भी हो सकते हैं, जिसमें दोनों आर अलग है तो उस केस में क्या होता है कि जिसमें जो अल्किल ग्रुप लार्जर होता है उसको हम एज अ पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली कि
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक दिया है CH3 और ये एक R हो गया, और दूसरा R है C2H5, जैसे उसका फॉर्मूला होता है इधर का ROR। और आपको ये फॉर्मूले लर्न किए बिना आपको आंसर आएगा नहीं, ये पहले क्लियर कर रही हूँ कि आपको पहले फंक्शन का टेबल लर्न करना है, तब जाके इथर क्या है, ईस्टर क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ROR इट्स अ फॉर्मूला ऑफ इथर, सॉरी कीटोन, सॉरी इथर, ROR क्या है, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ इथर। अब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है, तो मैं जनरल लिख रही हूँ ROR, इसका R आपका ये जनरल फॉर्मूला है। मैंने R के जगह पे एक जगह पे CH लिखा, एक O लिखा और एक C2H5 लिखा। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले लार्जर अल्किल ग्रुप को पैरेंट चेन कंसिडर करना। जब सेम ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम देगा, एक पैरेंट का नाम देगा, लेकिन अगर दो अल्किल ग्रुप अलग अलग है, जैसे एक इथिल है और एक मिथिल है, उस केस में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे दैट गिव्स अ नेम ऑफ पैरेंट, दैट इज़ अ लार्जर अल्किल ग्रुप। तो इन दोनों में से इसमें एक ही कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, ठीक है, इसमें दो कार्बन है, मतलब इट्स अ लार्जर अल्किल ग्रुप। और जो लार्जर अल्किल ग्रुप होता है वो आपको पैरेंट का नाम देता है, और पैरेंट का नाम हम किससे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन से। यहाँ पे दो कार्बन है मतलब पैरेंट का नाम क्या आएगा, इथेन आएगा, तो वो इथेन हम लिख लेते हैं। और इथेन हम कहाँ पे लिखेंगे, इथेन जो है वो हम कहाँ, सॉरी, इथेन हम कहाँ पे लिखते हैं, इथेन हम लिखते हैं सफिक्स में, मतलब एंडिंग में लिखते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते। तो देखो यहाँ पे क्या नाम आएगा, सॉरी, देखो यहाँ पे एक है आपका CH3 और दूसरा है आपका OC2H5। तो मैंने क्या कहा, ये आपका पैरेंट का नाम देगा क्योंकि ये लार्जेस्ट अल्किल ग्रुप है, दो कार्बन है, मतलब पैरेंट का नाम आएगा इथेन, ठीक है, पैरेंट का नाम क्या आएगा, इथेन आएगा। अब पैरेंट का नाम आपका इथेन आ गया, अब पैरेंट का नाम इथेन आ गया, अब आपको ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, तो इसको आपका एज अ ब्रांच नाम लिखना है। तो मिथेन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, मतलब एक कार्बन वाला मिथेन होता है, इसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी, ठीक है, इसका नाम क्या आएगा अभी, मिथॉक्सी इथेन इसका नाम आएगा। क्लियर हो गया, ये क्या है, मिथॉक्सी इथेन है। तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है, इट्स अ मिथॉक्सी इथेन, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप नाम जाता है, एक जो है वो ब्रांच का काम देगा, काम करेगा, और दूसरा आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देगा। देन उसके बाद नंबरिंग ऑफ पैरेंट इज डन सो एज टू गिव द लोवेस्ट पॉसिबल लोकल नंबर टू द कार्बन एटम ऑफ दिस फंक्शन। और आपको ये भी पता है, इसके बारे में आपको कहा था कि आपको इसमें नंबरिंग भी देना होता है। अब नंबरिंग कैसे देते हैं, नंबरिंग अगर आपको देना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा, जिसमें तीन कार्बन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिया एक CH लिया, एक O लिया, एक CH2 और एक और लिया मैंने CH, अब इसमें तीन कार्बन है तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी। तीन कार्बन मतलब क्या आता है, प्रोपेन आता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, प्रोपेन मैंने लिख लिया। अब इसमें आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट चेन, तो नंबरिंग 1, 2, 3 ऐसे नंबर होगा, तो आपका ये फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट, तो हम लिखेंगे इसको 1-methoxy प्रोपेन, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट आएगा उसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इधर के केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसी कार्बन पे अटैच है और ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इसमें तीन कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, तो जिस इसमें तीन कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, तो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या रहेगा, आपका पैरेंट रहेगा। फिर इसको नंबरिंग करेंगे, जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट आता है, दैट इज फर्स्ट पोजिशन पर आया, तो ये आपका ये हो गया आपका नंबरिंग भी, और आपका मिथॉक्सी, ये जो आपका ब्रांच है मिथॉक्सी ग्रुप, तो वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए 1-methoxy और 3 कार्बन वाला प्रोपेन, तो इस तरीके से आपको नाम देना है, ओके। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, द नेम ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड एडिक्वेटली, जो नेम है किसका, द नेम ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड एडिक्वेटली with appropriate suffix in accordance with the single and principal function। आपका ये सेकेंड पॉइंट है, तो ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में देखो क्या दिया है, हम एक बार रिवाइज कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट उसमें दिया है कि नेम ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड एडिक्वेटली, ठीक है, जो नेम है पैरेंट हाइड्रोकार्बन का। अब पैरेंट हाइड्रोकार्बन किससे डिसाइड करता है आपको पता ही है, पैरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब क्या कि जो भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो आप करोगे, जो भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी दैट गिव्स अ नेम ऑफ पैरेंट। और लॉन्गेस्ट चेन कौन से ग्रुप है, जिसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मतलब क्या है कि उसकी प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे देखो, नेम ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज मॉडिफाइड एडिक्वेटली विद एप्रोप्रिएट सफिक्स इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो आपको ये भी याद रखना है कि पैरेंट का जो पैरेंट हाइड्रोकार्बन का जो नाम होता है वो हम मॉडिफाइड करके लिखते हैं, ठीक है, कभी कभी मॉडिफाइड होता है विद एप्रोप्रिएट सफिक्स, उसमें एक एप्रोप्रिएट सफिक्स भी लगता है, मतलब जिस जिस कार्बन के चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है, उस कार्बन का हम पैरेंट का नाम डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन गिन के उसका पैरेंट का नाम डिसाइड करेंगे। एट द सेम टाइम उसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अटैच है तो उस पैरेंट के नाम में आपको सफिक्स भी लगवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शन ग्रुप आपको उस चेन में अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें वो सफिक्स ऐड भी करना है फंक्शन ग्रुप के लिए। अब एक्जैक्टली वो क्या मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको करना है। जैसे आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ तो मैं आपको प्रॉब्लम से क्लियर करवा दूंगी। तो आपको याद रखना है कि जब कभी आप पैरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखोगे, मॉडिफाइड करोगे, तब उसमें आपको एप्रोप्रिएट सफिक्स भी लगवाना है उस पैरेंट के नाम में। वो भी किसके अकॉर्डिंग? जो भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अटैच है उस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, फंक्शन का प्रीफिक्स जो है, सॉरी फंक्शन का जो सफिक्स रहेगा उस सफिक्स को आपको यूज़ करना है पैरेंट के नाम में। वो कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम नंबर 14.4 है। तो इस प्रॉब्लम नंबर ये अप्लाई करके बताती हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 14.4 में आपको इसका नाम लिखना है। अब इसमें देखो दो फंक्शन ग्रुप है। अब इसमें दो फंक्शन कौन से हैं? एक है आपका OH फंक्शन ग्रुप, दैट इज़ अ हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज़ अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा है? अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो दूसरा है ये कौन सा है? इट्स अ कीटोनिक ग्रुप। समझ में आया? तो एक कौन सा आपका फंक्शन ग्रुप है? एक आपका, ठीक है, एक आपका कीटोनिक ग्रुप है और एक आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें से आपको आपके, अगर आपके सामने बुक अगर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप उसमें प्रियोरिटी ऑर्डर देखो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब अल्कोहलिक ओएच का प्रियोरिटी ज़्यादा है या फिर सी डबल बॉन्ड का प्रियोरिटी ज़्यादा है। तो देखो आपके आपके बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 260 में वो ऑर्डर दिया है प्रियोरिटी ऑर्डर। उसमें अगर देखा जाए तो CO का प्रियोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH। मतलब प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा है? प्रियोरिटी ज़्यादा है आपके कीटोनिक ग्रुप की, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है, ये जो कीटोनिक ग्रुप है उस कीटोनिक ग्रुप की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब कीटोनिक ग्रुप की प्रियोरिटी अगर ज़्यादा है तो आपको पैरेंट का नाम डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब ये आपका प्रियोरिटी ग्रुप है और ये आपका किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। इट्स अ प्रियोरिटी ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। इट्स अ कीटोनिक ग्रुप, इट्स अ प्रियोरिटी ग्रुप और ये आपका OH सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और जब आप OH को सब्स्टिट्यूएंट के जैसे लिखते हो तो उसके लिए वर्ड लिखते हो एज अ सफिक्स, सॉरी एज अ प्रीफिक्स, दैट इज अ हाइड्रोक्सी। ठीक है, जब उसको हम सामने लिखते हैं जिसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखना मतलब सामने लिखना, एज अ सब्स्टिट्यूट जब आप नाम लिखते हो तो OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सी उसके पोजिशन के साथ। अब देखते हैं उसमें कैसा देना है। अब देखो आपको पता तो चल गया कि ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, सॉरी आपका ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा है? इट्स अ प्रियोरिटी ग्रुप। समझ में आया? ये ग्रुप कौन सा आपका? प्रियोरिटी ग्रुप है। और जो OH है वो कौन सा है आपका? OH जो है इट्स अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब आपको नाम देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें आपका जिस लॉन्गेस्ट, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी उस जिसमें आपका प्रियोरिटी ग्रुप अटैच रहेगा लग कार्बन पे। तो यहाँ पे मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की क्योंकि इस लॉन्गेस्ट चेन में ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका प्रियोरिटी वाला कार्बन है। ठीक है, मतलब प्रियोरिटी फंक्शन का कार्बन है इसलिए हमें इसको सेलेक्ट करना। क्लियर हो गया? तो ये आपका ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जिसमें आपका प्रियोरिटी फंक्शन ग्रुप है। प्रियोरिटी फंक्शन ग्रुप कौन है? सी डबल बॉन्ड हो, ये प्रियोरिटी फंक्शन ग्रुप है इसलिए जिसमें प्रियोरिटी कार्बन रहेगा उसी को हम लॉन्गेस्ट चेन में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। इस लॉन्गेस्ट चेन में आपका कीटोनिक फंक्शन भी प्रेजेंट है। अब मैं जो नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहाँ से करूँगी? जहाँ से आपका प्रियोरिटी फंक्शन नियरेस्ट आएगा। अगर मैंने यहाँ से भी नंबरिंग किया तो ये थर्ड पे आता है, यहाँ से भी नंबरिंग किया तो भी थर्ड पे आता, तो मैं कोई भी एक तरीके से नंबर करूँ। बट इसमें एक और चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक और चीज़ कौन सी आपको याद रखनी है कि जहाँ पे आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है मतलब फंक्शन ग्रुप तो नियरेस्ट आना चाहिए, एट द सेम टाइम अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट है, कोई फंक्शन ग्रुप दूसरा अटैच है तो उसकी भी पोजीशन लोवेस्ट आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो ये तो कीटोनिक ग्रुप थर्ड पे आता है लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप फोर्थ पे चला जाता है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा दूर हो गया। मतलब नंबरिंग किया तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका थर्ड दो पोजीशन कौन सा है? थ्री एंड फोर्थ है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसको दूसरे हिस्से नंबरिंग किया, अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया, ठीक है, तो क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। देखो यहाँ पे पोजीशन कौन सी आती है, सेकंड पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे लोवेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? टू एंड थ्री पोजीशन होती है। जो लोवेस्ट पोजीशन, जो लोवेस्ट लोकंट नंबर शो होते हैं उसको ही हम चूज़ करते, तो हमें ये चूज़ करना है तो हम नीचे वाला
जो है वो चूज़ करेंगे, नीचे वाला नंबरिंग जो मैंने ग्रीन पेन से दिया उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे तो आपको मैंने क्या कि आपको मैंने सिलेक्ट करके बताया था, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी। लॉन्गेस्ट चेन में आपका कीटोनिक ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है, इट्स अ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है, और ये आपका ब्रांच है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ठीक है, नंबरिंग अगर हम करते हैं तो ये फर्स्ट कार्ब, ये आपका सॉरी ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। क्लियर हो गया। तो अब आपको नाम लिखना, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम नाम लिखेंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब ब्रांच का। ओके, तो ब्रांच का नाम फिर से वही हो गया, सॉरी। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, आपको पता ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ब्रांच का नाम है, तो हाइड्रोजन का नाम क्या आएगा, वो सेकेंड पोजिशन पर प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि जब हम सामने लिखते हैं तो उसको हाइड्रोक्सी वर्ड लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स। OH के लिए हम हाइड्रोक्सी वर्ड ऐड करते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 2 हाइड्रोक्सी लिखा। ठीक है, और इसके बाद हमें किसका नाम लिखना है, कीटोन का नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब क्या आता है, पेंटेन आता है। ठीक है, और पेंटेन आता है, ई आता है, बट हमें कीटोनिक ग्रुप का नाम लिखना है यहाँ पे, तो पैरेंट के नाम से जो लास्ट वाला ई है वो हम इरेज कर देंगे, और लास्ट वाले ई के जगह पे क्या लिखेंगे, ओ एन ई, ये सफिक्स लगेंगे, क्योंकि कीटोन के लिए क्या लिखते हैं हम सफिक्स में, ओ एन ई लिखते, दैट इज़ 1 का जो स्पेलिंग होता है ना, ओ एन ई 1 लिखते हैं। और कौन से पोजिशन पर, वो थर्ड पोजिशन पर, तो यहाँ पर बॉन्ड -3-ON ऐसा नाम आता है, मतलब pentan-3-ON ऐसा हमें नाम लिखना है। ठीक है, क्या नाम लिखना है हमें उसका, pentan-3-ON जो आपको लिख के दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नाम देना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल में ये दिया हुआ है कि जो थर्ड रूल में ये दिया है कि नेम ऑफ अदर फंक्शन ग्रुप इफ़ एनी आर अटैच टू द मॉडिफाइड नेम ऑफ द नेम एज अ प्रीफिक्स, मतलब नेम ऑफ अदर फंक्शन ग्रुप्स आर अटैच टू दिस मॉडिफाइड नेम ऑफ द मॉडिफाइड नेम ऑफ द प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स का हमने मॉडिफाइड नाम लिखा है उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप का अगर हमें नाम लिखना है, तो लोकल नंबर ऑफ ऑल फंक्शन ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बिफोर द करस्पॉन्डिंग सफिक्स। ये तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि आपके इस कंपाउंड में जो अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें OH भी था और कीटोनिक भी था, तो मैंने OH का भी नाम, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप का प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो वो पैरेंट का नाम लेगा, तो उसको हमें लास्ट में लिखना है, लेकिन जो OH ग्रुप है वो ब्रांच का काम करता है, वो सब्सिट्यूएंट का काम करता है, तो उसका नाम हमें पहले लिखना है उसके पोजीशन के साथ। तो OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट था, हमने नंबरिंग करने के बाद वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट था, इसलिए हमने पहले 2 लिखा, फिर डैश लिखा, फिर हाइड्रोक्सी लिखा, एंड देन उसके बाद 5 कार्बन थे तो पेंटेन लिखा। पेंटेन में आपका कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो पेंटेन का लास्ट वाला ई मैंने निकाल दिया, और जो कीटोन के लिए जो सफिक्स लगवाते हैं ओ एन ई वो लिखा, लेकिन मुझे गैप देके लिखा क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन भी लिखनी है, तो कीटोनिक ग्रुप कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो propane-3-ON उसके से हमने नाम लिखा था, तो वही दिया है। द लोकल नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस आर इंडिकेटेड बिफोर द करस्पॉन्डिंग सफिक्स ऑफ प्रीफिक्स, कोई भी फंक्शन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप या फिर वो सब्सिट्यूएंट हो, तो आपको सबके सामने प्रीफिक्स और सफिक्स लगवाना ही है उसके पोजीशन के साथ। एंड कार्बन आइटम इन COR, COCl, CONH2, CN और CH, ये टाइप के जो फंक्शन ग्रुप जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसका हम हमेशा नंबर क्या देते हैं, 1 देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या क्या कौन से फंक्शन प्रेजेंट होते हैं, COR दैट इज ईस्टर है, या फिर COCl है, CONH2, तो इसमें ये जो कार्बन प्रेजेंट उसको हमेशा क्या नंबर देते हैं, हम 4th, इसी से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जिसमें ये टाइप के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से टाइप के, COR, COCl, CONH2, इस टाइप के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब आपको नंबरिंग करना होता तो हम इसी से नंबरिंग स्टार्ट करते, इसका नंबर फर्स्ट आता है इस कार्बन का, समझ में आया। इस टाइप के फंक्शन ग्रुप जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है तो नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होगा, उस कार्बन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को ही हम फर्स्ट नंबर देख के नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उसी को हम लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर इज नॉट मेंशन इन द, उसकी वजह से 1 नंबर आपको हर एक बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम में 14.4 ट्राई करो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, मैंने एक एग्जांपल उसमें से एक्सप्लेन किया, आपके जो 3 एग्जांपल है आप वो करके देखो। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही तक, थैंक यू सो मच।